नवरात्रि के आठवें नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है आठवां नवरात्रा, किसी किसी के यहाँ पर सप्तमी, अष्टमी, सप्तमी लास्ट व्रत रख के अष्टमी के दिन व्रत खुल जाता है। हमारे यहाँ नहीं खुलता है, हम नवमी के मनाते हैं तो हमारे नवमी बनती है। और आज की ड्रेस मेरी ये है, और आज का और मतलब कल का व्लॉग मेरा एक साथ आएगा। आज शाम की थोड़ा सा मतलब रोक के, मतलब शाम का जो भी मॉर्निंग रूटीन होगा, अभी देखो टाइम हो रहे हैं 11:30, तो दोपहर का टाइम है। अखंड जो जलती है तो उसी तरह से अखंड जो जली हुई है, मालाएं आज मैंने चढ़ाई थी, भोग मैंने न्यू चढ़ाया था, और कल हमारे यहाँ नौवीं बनेगी। और क्या क्या बनेगा कल का भी भोग दिखाएंगे। आज का भोग मैंने कल वाला डाला है, जो रात को मैंने क्या किया था, क्योंकि एक दिन ब्लॉक नहीं आया था कल का तो मिस हो गया है, और उसके बाद क्या हुआ वो आगे का मैं दिखाऊंगी। तो आज का ब्लॉग भी इंजॉय कीजिएगा, थैंक यू सो मच। फिर साड़ी का ब्लॉग भी आ जाएगा। ये ऑरेंज साड़ी का उस दिन का ब्लॉग है जो उस दिन मैंने डाला था। उसके बाद मैं आ गई थी शाम को, थोड़ा सा वर्कआउट कह सकते हैं, और या बॉल खेलने के लिए आई थी। मेरा मूड थोड़ा सा फ्रेश हो गया था, और शाम का टाइम जैसे ही पूजा का हुआ उससे पहले मैं बॉल खेलने लगी। चलिए होगा बस है बड़ा छोटा सा गाया लेता। और हमारे यहाँ इलाके में था एक जागरण जहाँ मेरे फैमिली के ये मेंबर आए हैं, कितने प्यारे प्यारे। ये मेरी भतीजी और भतीजा और मेरी चाची, प्यारी सी छोटी वाली चाची है ये मेरी, और ये मेरी भाभी छोटी वाली आपने देखी है आशा, और उसके दोनों बच्चे जो जागरण का फंक्शन अटेंड करने के लिए आए थे, तो मेरे यहाँ पे भी आए हैं। देखिए भाई आ गए। नवरात्रा मतलब सातवां नवरात्रा, माता रानी आपकी सभी दुआएं कंप्लीट करें, तो जय माता दी। और अब व्रत में क्या बनने जा रहा है, ये है कुट्टू का आटा और थोड़ी सी चटनी, वो मैं आपको बताती हूँ। और ये है आज की मेरी साड़ी, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पूरे नवरात्रे मैं साड़ी डालूंगी, और उसी तरह से नई नई ड्रेस, नई नई डिजाइन आते रहेंगे, आपको जो पसंद होगा। तो आइए दिखाती हूँ मैं कैसे कैसे चटनी और वो बनाती हूँ व्रत के लिए। ये रही जो, तो आते हैं किचन में। ये रहा कुट्टू का आटा, ये है टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च, और बस व्रत का नमक बिल्कुल शुद्ध तरीके से, फिल्टर का पानी जैसे कि साफ ही होना चाहिए। और उसके बाद पहले बनाएंगे चटनी, इसे करेंगे स्टॉप एंड
लुक दैट चटनी, यस चटनी रेडी है। मिर्च लग गई, ये रही व्रत की चटनी। और अब बनेंगी पकौड़ियाँ। आलू धो लिए हैं, उसमें कुट्टू का आटा, हल्का सा नमक, इसमें पानी डालने की ज्यादा जरूरत नहीं है, और इसे ऐसे ही मैश कर देंगे, बहुत थोड़ा सा रेयर वाटर, अगर चाहिए तो डालो, अदरवाइज जरूरत ही नहीं, बिल्कुल सूखा सूखा सा, ताकि ये पकौड़ियाँ बहुत ही क्रिस्पी और करारी बने। देखिए ऑयल हमारा हो चुका है, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा कुट्टू और उसके बाद पकौड़ियाँ हो जाएंगे स्टार्ट। और कुट्टू की पकौड़ियाँ ऐसे करके वन बाई वन डालेंगे, ताकि ये करारी ज्यादा बने। देखिए रिव्यू कढ़ाई में कैसे जा रही है, आवाज आपको आ रही होगी, और बहुत ही करारी बनेंगी। चाय हमारी हो चुकी है, ये स्कूल से आने के बाद बच्चे भी अब मतलब जिस दिन से नवरात्रि के व्रत चल रहे ना, तो ये इतनी क्रिस्पी और इतनी टेस्टी होती हैं कि बच्चे भी चाहते हैं कि मतलब ना हम खाना ना खाएं, हम फलहार ही खाएं। तो माता रानी की शक्ति कह सकते हैं, या भोग के स्वाद को भी बेटर बनाने के लिए बोल सकते हैं कि अच्छा तो होता। तो व्रत के टाइमिंग में आप जरूर बनाइए, बड़ी ही टेस्टी और यम्मी लगती हैं, और अपने घर में सभी फैमिली मेंबर बुजुर्ग भी होंगे ना, तो वो भी ये खा सकते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाती हैं, तो उन्हें भी खाने में जिनके दांत नहीं होते उन्हें कोई। तो आ गई हैं आपके सामने क्या पकौड़ियाँ, ये रही हमारी पकौड़ी। तो व्रत की पकौड़ियों को एंजॉय करते हैं आप सब मेरे साथ, चाय चटनी पकौड़ी। आप देखिएगा ये आ गई चाय, और ये रही चाय। अब लगेगा माता रानी को भोग, और करते हैं एंजॉय। तो नवरात्रे में करते हैं एंजॉय चाय पकौड़ी। कैसी लग रही बोलो। साड़ी कलर, साड़ी है पर्पल, और लेकिन देखो नवरात्रों में एक मतलब गेहूं का खाना ही तो नहीं होता। अभी नवरात्रों के व्रत चल रहे हैं, लेकिन एक नवरात्रों में सिर्फ मतलब फलार के बजाय हम मतलब गेहूं नहीं खाते। उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है, जिनको वेट लूज करना है वो अपना रेगुलर वो कर सकते हैं। तो ये है मेरी साड़ी, अब ये है मेरा लुक, देखिए कितना स्लिम ट्रिम हो गया, मैं तो बहुत खुश हूँ, आप भी देखिए।